कराची ग्रीन लाइन मंसूबे का आगाज़ 25 दिसंबर से होगा। वज़ीर मंसूबा बंदी असद उमर ने ट्वीट में कहा कि कल कराची ग्रीन लाइन मंसूबे का तफसीली जायज़ा लिया। इंशाल्लाह अगले 10 दिन में ये मंसूबा ट्रायल ऑपरेशन के लिए तैयार होगा। तकरीबन 2 हफ्ते ट्रायल ऑपरेशन के बाद 25 दिसंबर को कमर्शियल ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया जाएगा। पाकिस्तान को मदीना की तरह फलाही रियासत बनाना ज़िंदगी का मकसद है। मरूफ अमरीकी स्कॉलर शेख हमजा यूसुफ को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मज़हब के मामले पर किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती और इस्लाम भी हमें यही सिखाता है। इनका कहना था कि जब मैंने सियासत शुरू की तो लोग सियासत में आने से डरते थे। सियासत में आया तो ताकतवर लोगों ने मेरी किरदार कशी की, लेकिन आप अपनी नाकामियों से सीखते हैं। मैंने 22 साल तक जदोजहद की। मच्छरों के वार जारी, सिंध में डेंगू के मजीद 63 केस सामने आ गए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गुज़िश्ते 24 घंटों में हैदराबाद 29, बदीन से 1, उमरकोट से 1 केस रिपोर्ट हुआ। नवंबर में अब तक डेंगू के 1642 केस रिपोर्ट हो चुके। डोर फिरने से शहरी की हलाकत, आईजी पंजाब का पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। तर्जमान पंजाब पुलिस का कहना है कि आईजी पंजाब ने रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत बड़े शहरों में पतंग फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म दे दिया।